हेलो गाइस, मैं गीता बागड़ी आपका स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं पहुँची हूँ देवों की भूमि, देव भूमि यानी कि उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में एक बहुत ही प्राचीन और वैभव और रहस्यमय मंदिर के दर्शन कराना चाहती हूँ, जिसे माँ मठियाना देवी के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ माँ मठियाना के दर्शन के लिए जाऊँगी। और मेरा पूरा परिवार पहुँच चुका है मंदिर जाने के लिए, और हम सब एक बैंड पे इकट्ठा हुए हैं। वहाँ से हम एक गाड़ी पकड़ेंगे और वहाँ माँ मठियाना देवी के मंदिर तक जाएंगे। और सभी गाड़ी का बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बस गाड़ी आने ही वाली है। और देखिए, सामने से गाड़ी आ चुकी है, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। और हम सब पिछले 23 लोगों का ग्रुप बैठकर इस गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी खाल में उतर गए हैं। सामने क्या देखते हैं कि सामने हिमालय पर्वत जो सफ़ेद चद्दर से ढका हुआ है दिखाई दे रहा है। और सभी वहां पे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, सब अपने मोबाइल में फ़ोटो और वीडियो शूट कर रहे हैं। और हम सब 23 लोगों के ग्रुप ने एक बहुत ही सुंदर फ़ोटो वहां पे हिमालय पर्वत के सामने खिंचवाई। अब हम गाड़ी खाल से नीचे पग यात्रा करने जा रहे हैं। शायद 3-4 किलोमीटर तो माँ मठियाना देवी का मंदिर पड़ेगा ही, तो हम जो है पैदल चल दिए हैं। ये एक नीचे से कच्चा रास्ता है जो बहुत ही शॉर्टकट में तैयार किया गया है। खाती हूँ, ये मेरी पूर्व सासू हैं, ये भी आई हैं, लकड़ी टेक टेक के चल रही हैं। और पीछे जो आ रहे हैं ये देखिए, ये मेरी बेटी है और एक नाती है, एक पोता है मेरा। लोग खड़े हुए हैं, कुछ आगे भी पहुंच गए हैं। हाय अथरू। हेलो। अभी 2-3 लोग पीछे भी रह गए हैं, अभी काफी ठंड पड़ी। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू गीता बागड़ी। वेरी गुड। अब हम लगभग माता के मंदिर के पास पहुंच गए हैं। अब पेट पूजा और यहाँ पे नहीं यहाँ पे दुकानें हैं। यहाँ पे नहीं बेटा, अभी शुरू में पहले पूजा का सामान खरीदेंगे यहाँ से, फिर माता के मंदिर में जाएंगे। यहीं से माता के मंदिर के लिए पूजा सामग्री लेके जाते हैं सभी। एक दुकान इधर की साइड है, नीचे की तरफ है, और ऊपर की तरफ है। और यहाँ से भी हिमालय पर्वत देखिए, वाह कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। भाजी ये हो गया नारियल, चुन्नी भी कर दो, एक चुन्नी दे दो। जय मठियाना माई। अब हम मेन पहुँच गए हैं, मेन द्वार के ऊपर। अब जो है मैं बजा रही हूँ ये घंटियाल। अब ये यहाँ की सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं ऊपर जाने के लिए। ये बच्चे लोग आ रहे हैं पीछे। अब हम आ गए हैं मेन द्वार के ऊपर, और यहाँ से देखिए कितना ही सुंदर और विशाल मंदिर दिखाई दे रहा है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 400 साल पहले एक गढ़वाल के राजा ने की थी। देवी दो रूप में भक्तों को दर्शन देती है, एक वैष्णव के रूप में और दूसरा भद्रकाली के रूप में। भद्रकाली यानी कि काली के रूप में, जो सत्यपीठ पे आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस स्थान पर माँ मठियाना माई को भगवान शंकर ने खुद दर्शन दिए थे। नवरात्रे में यहाँ विशेष पूजा होती है, काल रात्रि में यहाँ पूरी रात जागरण होता है। पुरानी कथा के अनुसार माता के अग्नि में सती होने पर भगवान शिव उनके शरीर को लेकर भटक रहे थे। माता सती का एक भाग यहाँ पर गिरा, इस भाग को मठियाना देवी के नाम से जाना गया।
पूरे वर्ष श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार खुले रहते हैं और नवरात्रि में यहाँ विशेष मेले का प्रबंध भी किया जाता है। रुद्रप्रयाग जनपद के चकोरी क्षेत्र के 300 गांवों की कुल देवी है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। पुरानी कथा के अनुसार माँ मठियाना भरदार राजवंशों की कुल देवी है। हम माँ मठियाना से प्रार्थना करते हैं कि हमारी और आपकी मनोकामना पूरी करे। जय माँ मठियाना। परिवार रखी राज को सीमा, हंस तो खेले तो